भगिन्ये नमः, भवती इदानीं कीदृशी आन्लैन् सेवा समुपलब्धं कारिष्यतीति? रोहनाय नमः, इदानीमहं भवतां समक्षे विभिन्न सेवा सिटिजन सेंट्रिक सर्विस, तदेया वित्तकोशीय सुविधा, बीमा सुविधा, कास्ट सर्टिफिकेट निर्गतीकरणं, रेजिडेंस सर्टिफिकेटस्य ज्ञानम् इत्यादयः सेवाः एतासाम् आन्लैन् पोर्टल् माध्यमे निरूपणं करिष्यामि। एतत्तु रुचिकरं तत्त्वं। भगिनी, कृपया मम अवबोधय यत् अहम् एतासां सुविधानां प्रयोगं कयं कर्तुं शक्नोमि। सत्यमेत रोहन, अयचा विविध प्रकारक ई डिस्ट्रिक्ट सेवानामुपस्यापनं कुर्मः यत्र जाति प्रमाणपत्रम्, आवासीय प्रमाणपत्रम्, आय प्रमाणपत्रम् च ज्ञानम् अपेक्षितम्। गीताया नमः। मदीयं कास्ट सर्टिफिकेट माम मिलिष्यते सन्दर्भे अस्मिन् विस्तारपूर्वकं वदिष्यति? ओम् अवश्यम्। कास्ट सर्टिफिकेट सुविधा भारतीय संविधानानुसारेण भारत सर्वकारः विशिष्ट जातियु प्रजातिभय भारतीय नागरिकेभ्य विविध योजनाय आरक्षणाय तत्सदृशान्य सुविधाय समुपलब्धं कार्यति। कास्ट सर्टिफिकेट आवेदनाय भवान् अधोलिखित चरणानामनुसरणं करोतु। प्रथमं ई एप्लिकेशन फॉर्मं डाउनलोडं करोतु। पुनः अशुद्धतया रीते समग्रम आवश्यकं तथ्यं डिस्क्रिप्शन प्रपूर्य अनन्तरं समीपवर्तिनं नोटरी समीपं गत्वा तं नोटराइज्ड कार्यतु। आवेदनात् प्राकु समग्रं प्रपत्रं साम्यकूतया पठतु। किमत्र आवेदनेन सह किमपि प्रमाणपत्रमपि योजनीयम् अस्ति? ओम्, भवान् का सर्टिफिकेट आवेदन पत्रेण सह अपेक्षित प्रमाणपत्रं योजयतु। तत्र आवासीय प्रमाणपत्रं, तदया मतदान परिचय पत्रं, प्रवजन प्रपत्रं, यान चालक प्रपत्रं, RSBY प्रपत्रं, आधार प्रपत्रं, सर्वकारीय अर्ध सर्वकारीय संस्थाभ्यः निर्गतं परिचय पत्रं, पैन कार्ड अथवा मनरेगा नियुक्ति कार्डम् इत्यादयः। तत्र किमपि आवासीय प्रमाणपत्रं यथा मतदान परिचय पत्रं, प्रवजन प्रपत्रं, यान चालक प्रपत्रं, आधार प्रपत्रं, विद्युत शुल्क प्रपत्रं, जल शुल्क प्रपत्रं 7/12 अपि च 8A भाटक प्रपत्रं, दूरभाष शुल्क प्रपत्रं, खाद्यान्न प्रपत्रं अथवा संपत्ति प्रपत्रं इति। कास्ट सर्टिफिकेट पत्राय एकम एफिडेविट इति। निजी रिश्तेदारस्य कास्ट प्रूफ इति। स्वस्य स्वपितुर्वा प्राथमिक विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्रस्य छायाप्रतिः। आवेदकस्य, तस्य पितुः अथवा तदीय परिजनस्य जन्म प्रमाणपत्रस्य छायाप्रतिः। अपि च सर्वकार सेवा पुस्तिकायाः छायाप्रतिः, यत्र आवेदकस्य, तस्य पितुः, तदीय परिजनस्य सामुदायिक श्रेण्या परिचय भवेत्। समाज संरक्षक द्वारा निर्गतीकृत जाति प्रमाणपत्रस्य प्रतिः। अन्वेषक समितया निर्गतीकृतं पितुः परिजनस्य वा वैधता प्रमाणपत्रम्। राजस्व लेखः अथवा ग्राम पंचायतस्य आलेख प्रतिः। जाति अधिसूचना दिनांकतः पूर्ववर्ती आवास प्रमाणपत्रम्। कास्ट सर्टिफिकेट इतस्य किमपि शुल्कमपि देयं स्यात्? नहीं, किमपि नहीं। निवास आवेदन पत्र प्रपूर्णाय का प्रक्रिया? निवास प्रमाण पत्राय आवेदन विधि कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन विधि समह एव। संदर्भे अस्मिन् कानि अपेक्षित प्रमाण पत्राणि आवश्यकानि? यानि प्रपत्राणि निवास प्रमाण पत्रावेदनेन सह योजनीयानि भवन्ति तानि अधोलिखितानि सन्ति। मतदान परिचय पत्रम्, पैन कार्ड, प्रवजन पत्रम्, यान चालक प्रपत्रम्, आधार पत्रम्, अधोलिखितेषु कम्प्येकं प्रमाण पत्रम्। अत्र वधेयं यदावेदकस्य नाम आवेदने आधार प्रपत्रे च एकमेव स्यात्। निर्धारित प्रारूपेषु स्वसत्यापनम् आवश्यकम्। 18 वर्षात् यः न्यूनतः वर्तते तदर्था कस्यचित् व्यस्कस्य सत्यापनम् आवश्यकम्। आवेदन प्रपत्र प्रदान काले वेब कैमरा द्वारा स्वीकृतस्य आवेदकस्य छायाचित्रम्, आवेदन सत्यापन समये तत्र संलग्न चित्रम् एकमेव स्यात्।
भवदीयं वर्तमानावासीय प्रमाणपत्रेषु एकं यथा पूर्वमुक्तम्। जन्मतिथि प्रमाणपत्रं यथा जन्म प्रमाणपत्रं, विद्यालय प्रमाणपत्रं, प्रवजन प्रपत्रं। वस्त्रवास प्रमाणपत्रं यथा विद्यालय प्रमाणपत्रं, विद्युत शुल्क प्रपत्रं, गृह प्रपत्रं, जल शुल्क प्रपत्रं इत्यादि। एतदव गंतव्यं यत् तानि प्रमाणपत्राणि गेजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापितानि भवेयु। भवान् तदीय परिचय पत्रस्य छायाप्रतिं दूरभाष संख्यां च योजयतु। किमेतत् प्रमाणपत्राय आवेदन शुल्कस्य आवश्यकत्वं विद्यते? नहीं, इयं सेवा शुल्क रहिता विद्यते। एवञ्च अस्य प्रमाणपत्रस्य निर्गतयः यस्यः अपेक्षते? रेजिडेंस सर्टिफिकेट 14 दिवसा मध्ये निर्गतं भवति। ओ, एतत् समीचीनम्। एतदतिरिक्तं किमपि अन्यत् प्रमाणपत्रं वर्तते यस्य ज्ञानम् अपेक्षितं स्यात्? आम्, वयम् आय प्रमाणपत्र सन्दर्भे जागरूकः भवेम, यद्यपि पारिवारिक आयधारितं भवति। अस्यावेदन प्रक्रिया जाति प्रमाणपत्रवत् अथवा आवासीय प्रमाणपत्रवत् वर्तते, यथा चर्चां कृतवन्तो वयम्। अन्तर्मेतावदेव यत् इयं सेवा शुल्क सहिता विद्यते। आय प्रमाणपत्राय आवेदन शुल्कं किमस्ति? 30 रूप्यकाणि मात्रम्। अहो, एतत् अल्पधन साध्यम्। अपि च कतिषु दिवसेषु यास्यामो वयम् एतत् प्रमाणपत्रम्? सम्पर्यमाणावेदन सत्यापनान्तरं 7 दिवसेषु प्राप्स्यन्ति भवन्तः तं प्रमाणपत्रम्। अहं वोटर आईडी हेतवे कथम् अप्लाई कर्तुं शक्नोमि? वोटर आईडी हेतवे तदर्थः एप्लीकेशन फॉर्म 6 प्रपूर्णीयः भवति। आवेदन स्वीकृत्यनन्तरं भवतां नाम वोटर लिस्ट मध्ये आगच्छति। किं वोटर आईडी हेतवे ऑनलाइन आवेदनमपि कर्तुं शक्नोमि? आम्, अवश्यमेव। कतिपय सरल स्टेपनानुसरणं भवति। प्रथम चरणं, भारतस्य चुनाव आयोगी आधिकारिक वेबसाइटो परि गच्छतु। द्वितीय चरणं, अतः नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टलोपरि गच्छतु। तृतीय चरणं, ततः अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर इत्यस्योपरि क्लिक करोतु। चतुर्थ चरणं, डिटेलं प्रपूर्यतु अपि च डॉक्यूमेंट अपलोडं करोतु। पंचम चरणं, ततः अन्ते सबमिटोपरि क्लिक करोतु। सबमिटोपरि क्लिक करोतु तथा भवतः रजिस्टर्ड ईमेलोपरि एकं पर्सनल वोटर्स आईडी लिंक आगच्छति। तेन लिंकेन भवान् निज वोटर आईडी एप्लीकेशन इत्यस्य स्टेटस अधिगन्तुं शक्नोति। आवेदनानन्तरं कतिशय दिवसेषु मम वोटर आईडी यास्यामि? आवेदनानन्तरं यः तिथि वर्तते तथा एक मासेषु यास्यन्ति भवतः वोटर आईडी। वोटर आईडी आवेदनाय कानि प्रमाणपत्राणि अपेक्षितानि? एतदर्थः एकः पासपोर्ट फोटो, एकः आइडेंटिटी प्रूफ, एकः एड्रेस प्रूफ च आवश्यकः भवति। एतावपर्यंत सर्वकारीय वेबसाइट तः तथ्यान्वेषणाय सन्दर्भे अधिगतः आगच्छन्तु। सम्प्रति रोचक क्रियां कलापेषु भागं ग्रहीष्यामः। अहं डिजिटल लॉकर सन्दर्भे अपि श्रुतं, किं भवान् तस्मिन् सन्दर्भे वदिष्यते? आम्, अवश्यम्। डिजिटल लॉकर सर्वकार द्वारा प्रदत्त डॉक्यूमेंट्स एक्सेस हेतवे एवं सुरक्षित प्रारूपं वर्तते वर्ततम्। एतत् आधार प्रदत्त प्रमाणीकृत सेवोपयोगं करोति। एतदि भौतिक दस्तावेजस्य उपयोगं समापय सर्वकारीय संस्थान सत्यापित प्रमाणपत्रोपयोगे समर्षं प्रदाति। एतद् नारिकेभ्यः समर्पित व्यक्तिगत ई स्टोरेज स्थानं प्रददाति, यद्यपि तद्याधार संख्यया सम्बद्ध। एतत् सर्वकारीय विभागेषु संस्थानेषु कर्गत कार्यवाही सन्दर्भे सम्पाद्यमान एडमिनिस्ट्रेटिव्य व्ययस्य न्यूनीकरोति। अनेन समस्या शक्तेः च न्यूनीकरोति, यतः अनेन कुत्रापि ई प्रमाणपत्रस्योपयोगः भवति। डिजिटल लॉकर मध्ये साइन अप हेतवे केषाम् आवश्यकत्वम्?
अत्र आधार संख्या तेन संबद्ध मोबाइल संख्या च इति आवश्यकत्वम्। वयम् डिजिटल लॉकर कथम निर्माणं करिष्यामः? साइन अप हेतवे लॉकर इतस्य संस्थानिक वेबसाइटो परि गच्छतु। साइन अप बटनो परि क्लिक करोतु। ततः मोबाइल संख्या दर्ज करोतु तथा कंटिन्यू बटनम प्रपूर्यतु। ततः अधिगत ओटीपी दर्जम करोतु तथा वेरीफाई बटनम नुदतु। ततः यूजर नेम पासवर्डम प्रदाय साइन अप बटने नुदतु। ततः आधार संख्यां प्रदाय सबमिट बटनम नुदतु। ओटीपी दर्जम करोतु तथा वेरीफाई बटनम चय। ततः वर्तमान डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हेतवे डैशबोर्ड पश्यतु। ततः भवान कस्यापि ईमेलो परि निज डॉक्यूमेंटेस अवलोकनम करिष्यति अपि च ई साइन अपि कर्तुम समर्थो अस्ति। यद्यपि सांस्थानिक हस्ताक्षरत्वे नोपयः भवितुम अर्हति। बैंकिंग अपि एकम अत्यावश्यकम सिटीजन सर्विस सेंटर वर्तते। इयम सेवा ग्राहकेभ्य वित्तीय सहायम समुपलब्धि करोति। येन जनः नैज्यम जीवनम वैलास्यपूर्णम संपाद्यति। अद्यतने काले अस्य सेवा उत्कृष्ट दृश्यते। यहि ग्राहकान मुग्धि करोति अपि सहायम अपि करोति। भवन्तः कतिपय सुलभ सोपानानुसरणं कुर्वन्तु। प्रथमतः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्तु यत् कीदृशस्य कोष अकाउंटस्य समुद्घाटनेन च वर्तते। तदेया सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट अपि च रेकरिंग अकाउंट इति। द्वितीयः अनन्तरं निजेप्स्थित धनागारं गत्वा अधिकारिणा सह व्यवहर्तु। तृतीयः अनन्तरं तत्समुद्घाटनाय समुद्घाटनाय फॉर्मं प्रपूर्यतु। चतुर्थः स्ववित्तकोष अकाउंट समुद्घाटनाय संदर्भ ददातु। पंचम अनन्तरं तं फॉर्मेन सह अत्यावश्यक प्रमाणपत्रं संयोज्य सम्मितं करोतु। षष्ठम ततः तत् फॉर्मं तद्याधिकारिणा सत्यापनम् क्रियते। सप्तम अनन्तरं पुनः नूतनो घाटित वित्तकोष अकाउंट प्रारंभिके धनं योजनीयं भवति। अष्टम अनन्तरं भवन्तः चेकबुकं पासबुकं डेबिट कार्डं इंटरनेट बैंकिंग सूचनाः स्वीकर्तुं शक्यते। किं विस्तारेण गपितुं शक्यते यत् इंटरनेट बैंकिंग सेवायाः उपयोगं कर्तुं शक्यते? ओम अवश्यम् स्वीकरोतु एतत् यत् भवताम अकाउंट SBI मध्ये वर्तते। अस्तु SBI इति संस्थायाः ऑनलाइन बैंकिंग सेवायाः प्रथमतः भवन्तः तत्र SBI शाखां गत्वा तदर्थः ऑनलाइन बैंकिंग सेवायाः रजिस्ट्रेशनम कार्यन्तु। ततः पत्राचार माध्यमेन ऑनलाइन SBI प्रथमं लॉगिंग सूचना यास्यन्ति। अनन्तरं भवतः न्यूनतम यूजर आईडी लॉगिंग पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्डम च निर्माणं कुर्वन्तु। ततः तत्सेवाय तदीय वेबसाइट मध्ये www.onlinesbi.com अत्र गच्छतु। ततः लॉगिंग स्थानं नुदतु। अन्तरं कतिपय सूचनया सह एकं पृष्ठोद्घाटनं भविष्यति। ततः सूचना अधीताय पुनः कंटिन्यू टू लॉगिंग इति स्थानं नुदतु। पुनः अभिनव पृष्ठोद्घाटनं भविष्यति यत्र यूजर नेम पासवर्ड प्रदानं अनिवार्यं भवति। पुनः लॉगिंग स्थानं नुदतु। अनन्तरं नैजं मनोनुकूलं यूजर नेम पासवर्डं च निर्माय सुरक्षितं करोतु। अपि च निज मनोनुकूलं प्रोफाइल पासवर्ड निर्माणस्य आवश्यकता भवति। एव प्रकारेण भवतः ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस सक्रिय भविष्यति। भवन्तः प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY संदर्भे श्रुतमे भविष्यति। यद्यपि आर्थिक सहायताय राष्ट्रीय उद्देश्यं वर्तते। जनधन योजनायः कः उपयोगः? जनधन योजना सुनिश्चिति करोति यत् सुलभ माध्यम द्वारा आर्थिक सहाय लाभ स्यात्। यथा बैंकिंग सेवा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट प्रेषित धनम क्रेडिट बीमा पेंशन च। केन कोषागारेण एषा सेवा स्वीक्रियते अस्माभि? एतदर्थः यस्याम कस्यामपि वित्तकोष शाखायाम अथवा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट
अथवा बैंक मित्र आउटलेट तत्र गत्वा शून्य रूप्यकेण निज अकाउंट उद्घाटनम कुर्तुम शक्यते। यदि चेक बुक आवश्यकम विद्यते तर्हि तदर्थः अकाउंट मध्ये निर्धारित धनयोगः भवेत्। प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत अकाउंट समुद्घाटनाय कानि प्रमाणपत्राणि अपेक्षितानि सन्ति? केवलम अत्र आधार संख्या अपेक्षिता भवति। यदि भवदीयः आवास परिचयः परिवर्तितः चेत् वर्तमानावास संकेतार्थ स्वसत्यापित प्रमाणपत्रमपि युक्तियुक्तम्। यदि आधाराभाव वर्तते तर्हि किमपि प्रमाणपत्रम् कार्यस्थलीयम् अन्यत् वैध प्रमाणपत्रस्य आवश्यकत्वं भविष्यति। तद्या मतदान परिचय पत्रम्, यानचालक प्रपत्रम्, प्रवजन प्रपत्रम् अथवा नरेगा कार्ड इति। यदि एषु प्रपत्रेषु तादृशं संकेतस्थलं वर्तते तदा इदं पत्रम् अभिज्ञानाय आवास प्रमाणपत्राय च अलम्। किमे तेषां भावे अन्यत् प्रमाणपत्रमपि योजनीयं भवेत्? यदि पूर्वोक्तानां प्रमाणपत्राणाम् अभावहे यदि सह बैंक द्वारा लो रिस्क कैटेगरी अत्र विद्यते तर्हि अधोलिखित पत्रेषु किमपि पत्रं समर्पय कोषे उद्घाटनं कर्तुं शक्यते। तद्या केंद्रीय राज्यस्तरीय सर्वकार संस्थान द्वारा स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक च पब्लिक फाइनेंस अथॉरिटी एताभ्यः संस्थाभ्यः निर्गतम् छायाचित्रयुक्तम् प्रमाणपत्रम् अलम्। राज्यपत्रिताधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्रम् यत्र आवेदक छायाचित्रम् आवासीय संकेतानुकूलम् सत्यापितम् भवेत्। किम् भवतः पीएमजेडीवाई इत्यस्य लाभ सन्दर्भे प्रतिपादितुम् शक्नुवन्ति? ओम् सत्यमेतत्। इयम् योजना संचित धनोपरि ब्याजम् प्रतिपाद्यति। 1 लाख परिमित दुर्घटना बीमा भी प्रत्यन्ते। येन केनापि प्रकारेणात्र न्यूनतम धनावश्यकता न भवति। इयम् योजना 30,000 जीवन बीमाम् उपस्याप्यति, यत्र मृत्योर्ननन्तरं निधिरित समग्र नियमं पूरयित्वा स्वीकर्तुं शक्यते। भारते कुत्रापि रूप्यकाणि दयितुं शक्यन्ते समीचीनतया। अत्र 5,000 रूप्यकाणि आम्बर ड्राफ्ट भवति मर्हन्ति, यद्यपि गृहस्य एकास्मिन् अकाउंटे एव गमिष्यति। विशिष्य गृहस्य महिला एव युक्ता एतदर्था। सर्वकारीय योजना लाभार्थी नये सन्ति ते प्रत्यक्ष धनान्तरणस्य लाभं स्वीकरिष्यन्ति। पणमासाभ्यन्तरं कोष संचालनस्य व्यवस्था यदि समीचीना तर्हि आभार ड्राफ्ट इत्यस्य लाभः अपि प्रदेयः भवति। सेवानिवृत्त्यंशं बीमा अपि लाभत्वेन गण्यते। प्रधानमंत्री जनधन योजना अन्तर्गते दुर्घटना बीमाय प्रस्तुतीकरणं तदा कर्तुं शक्यते यदा लाभार्थी रुपे कार्ड धारकः बैंकतः एटीएमतः पीओएसतः ईकॉमतः एकं सफलं धनान्तकं आयव्ययं अकरोत् तदैव। एवज जनः बीमा सौविध्यनपि अवगतः स्युः। जीवन बीमा पॉलिसी बीमा कंपनी संस्थया सह कॉन्ट्रैक्टः अस्ति। प्रीमियम पेमेंटस्य स्थाने बीमा धारकस्य मृत्योर्नन्तरे जनम लगभगम धनम ददाति, यम डेथ बेनिफिटम अच्यते तदैव प्रददाति। किमेत सौविध्यम ऑनलाइन उपलब्धो अस्ति? आम, अस्य ऑनलाइन पोर्टल तः जीवन बीमा पॉलिसी क्रेतुं शक्यते। किम भवति ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी अधिगन्तु विस्तारात वक्तुं शक्नोति? ओम अवश्यमेव। LIC इतस्य ई टर्म प्राप्ते अधोलिखित चरणानाम अनुसरणं कुरु। प्रथम चरणम् प्रप्रथमतः www.licindia.in इत्यत्र गच्छतु। द्वितीय चरणम् बाय ऑनलाइन इतस्य चयनं कुरु, ततः ई टर्मम चिनु, ततः स्वसुनिश्चित धनं पॉलिसीं च चयनं करोतु। अत्र वद्यं पॉलिसी टर्म तादृशं समयः वर्तते यस्यानन्तरं भवान् कवरम इच्छति। पॉलिसी धारकस्य दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पश्चात् धनराशि ही नॉमिनीभ्यः दीयते। पुनरत्र सामान्यावश्यक तथ्यं प्रपूर्य तदया नाम, लिंगम, वयः, शैक्षिक योग्यता इत्यादयः।
ततः प्रीमियम कैलकुलेटरम चयनम करोतु। येन चयनीकृत फॉर्मेटराय प्रीमियम गणनाम करिष्यति। बीमा किस्तः वयम् लिंगम टर्म्स एस्योर्ड्सम स्वास्थ्यम ताम्रपत्र प्रयोगपरि आधारितम वर्तते। 50 लक्ष परिमित धनाधिक्य ताम्रपत्र उपभोक्ता भिनाय बीमा प्रीमियम राशि ही न्यूना भवति। पुनः वार्षिकम मासिकम त्रैमासिकम अर्धवार्षिकम व पक्षम प्रीमियम पेमेंट मोडम चिनोतु। www.licindia.in इत्यत्र ऑनलाइन आवेदनम प्रपूर्यतु अपि च ऑनलाइन प्रीमियमम ददातु। अष्टम चरणम ऑनलाइन भुक्तानांतरम इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्टम अवश्यमेव स्थातव्यम्। किम सर्वकार द्वारा अन्य अपि इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कृतम नवा? आम, सर्वकार द्वारा अटल पेंशन योजना उपपादिता, यत्र निर्धन कोटाओ समागतानाम जनाः निज वृद्धावस्थाय धन संचय कर्तुं शक्यते, अपि च निर्धारित धनराशिं प्राप्तुं शक्यते। एतद् योजनानंतर्गत गतानाम जनानाम वयम् यदा 60 भवति तदंतरमेव तद् योगदान राशिः अपि च अवधाधारे निर्धारित पेंशन राशिं प्राप्तुं शक्यते। अहम् अटल पेंशन योजनाय कथम् आवेदनं कर्तुं शक्नोमि? भवान् अस्य योजनाय बैंक वेबसाइटो परि अपि च थर्ड पार्टी वेबसाइटो परि ऑनलाइन समुपलब्ध सब्सक्राइबर आवेदन पत्र द्वारा आवेद्यतु। यथा भवान् बैंक द्वारा अप्लाई करोति तदा अधोलिखे चरणानाम स्वरूपमनुसार। प्रथम चरणम् प्रथमतः कश्चित् वेबसाइटतः तस्य आवेदन पत्रम् डाउनलोड करोतु ततः अथवा कश्चित् बैंकतः स्वीकरोतु। द्वितीय चरणम् आवेदनम् प्रपूर्यतु ततः अवधेयांशः वर्ततेयम् यत् आवेदन फॉर्म मध्ये समग्र विवरणम् समीचीनम् भवेत्। तृतीय चरणम् आवेदनेन सह आधार कार्डस्य छाया प्रति योजनीय। चतुर्थ चरणम् तत् राशिकः पेंशनः 60 वर्षानन्तरं वञ्चति तदीय चयनं कुरु। ततः भवन्तः अवगच्छन्ति यत् प्रतिवर्षं कियत् प्रीमियमं देयं स्यात्। पञ्चम चरणम् ततः निज सेविंग अकाउंट संख्यां एंटरं करोतु। यदि तस्य अभाव वर्तते तर्हि भवान् इमां योजनां तस्यां एवान्य शाखायां जनधन योजनाय सह उद्घाटितुं शक्यते। षष्ठः चरणम् चयनित पेंशन राशि अन्तर्गते प्रतिमासं भवताम् अकाउंटतः धनांतरणं स्वयमेव भविष्यतीति। एतदर्थः सहमति तदावेदन काले एव देया भवति। सप्तम चरणम् अनन्तरं भवतः एकदा निज बैंक अधिकारिणीं पृच्छतु यत् किम् आवेदनेन सह अन्यत् अपि प्रमाणपत्र सापेक्ष्यं वर्तते संदर्भे अस्मिन् सह सहायं करिष्यति। अस्य योजनायः जनानाम् आयुः सीमांकनं कीदृशम्? 18 से 60 वर्षं यावत्। सर्वकारः हाई रिस्क कैटेगरी तद्या यांत्रिक कर्मकारः ट्रक चालकः नाविकः एतेषां कृते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJY अंतर्गते दुर्घटना बीमा क्रमः उपलब्धं कार्यति। अहम् अस्याम योजनायाम एनरोल कथम भविष्यामि? भवान् प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाय अधोलिखित चरणानुसरणं कुरु ऑनलाइन एनरोल करिष्यामि। प्रथमतः SBI इंटरनेट बैंकिंग मध्ये लॉगिंग करोतु। सफलतापूर्वक लॉगिंग अनंतरम सोशल सिक्योरिटी स्कीम लिंक क्लिक करोतु। पुनः न्यूतन पृष्ठोद्घाटनम भविष्यति ततः योजनायां निज अकाउंट संख्या चयनस्य आवश्यकता भविष्यति ततः सबमिट बटनम क्लिक करोतु। ततः CIF संख्यायाः चयनं करोतु अनन्तरं सबमिट करोतु। अतः एकम ऑनलाइन आवेदन पत्रोद्घाटनं भविष्यति यत्र सामान्यशम अपि च नॉमिनीज डिटेल दानं भवति। कतिपय सूचनाः तद्या नाम पता इत्यादि पूर्वतः एव पूरिता स्युः। सर्व डिटेल पूर्णानन्तरं एंटर बटनं नुदतु। अतः सफल रजिस्ट्रेशन संदेशं यास्यति अनन्तरं एकम रिफ्रेश संख्यामपि प्रदीयते भवते।
भवान स्टेटस इतस्य उपयोगं कृत्वा निज ऑनलाइन प्रपूरिता वेदनस्य स्टेटस दृष्टुं शक्यते। किं भवति माम एतद् योजना संदर्भित लाभाप्तये वयसः सीमा संदर्भे वक्तुं शक्नोति? ओम सत्यम, एतद् योजनानुकूला सीमा 18-70 वर्षं यावत् भवति। किं सर्वकारः सीनियर सिटिजनाय एतादृश बीमायाः उपादानं करोति? आम एवमेव, यूनियन कैबिनेट तः सीनियर सिटिजनाय वरिष्ठ पेंशन योजनाय 2017 VPBY स्वीकृति ही प्रदत्ता 8% रिटर्न से गारंटी दरे इयम योजना 10 वर्षाय पेंशनम दास्यति। कृपया एतत् योजना संदर्भे किमप्यनयम् तथ्यम् प्रतिपाद्यतु। इयम योजना निश्चित रूपेण 10 वर्ष पर्यन्तम् पेंशनस्य अश्योरिटी प्रददाति। योजनायाः उद्देश्यम् 60 वर्षायु युक्तम् जनानाम् आर्थिक सेक्युरिटी प्रदानम्। वरिष्ठ पेंशन योजनायाम् न्यूनतमः पेंशनः 500 अपिच अधिकतमः 5000 रूप्यकाणि प्रतिमासिकम् देयम् भवति। LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजनायाम् लॉगिंग कालः 15 वर्षीय वर्तते। ग्राहक समीपे वार्षिकम्, अर्धवार्षिकम्, त्रैमासिकम्, मासिकम् विकल्पम् भवति पेंशन चयनाय। पेंशन साक्षात ECS या NEFT द्वारा पेंशन धारकस्य अकाउंट मध्ये गमिष्यति, चकः डिमांड ड्राफ्टस्य उपयोगः न क्रियते। LIC तः प्राप्त नॉर्मल पेंशनोपरि करस्यान्वयनं भवति, परंच वरिष्ठ पेंशन योजना अंतर्गत प्रदत्त शाटी ही धारा 80C अंतर्गते टेक्स्तः निशितः वर्तते। पॉलिसी धारकः वर्षत्रय पूर्णान्तरम् लोन लाभोत्याप्ने समर्था भविष्यति, तत्राधिगत मूल्यस्य 75% राशि ही उच्चतम संभावित राशि ही भविष्यति। पेंशन भोगिनः मृत्योर्ननन्तरं नॉमिनी निविष्ट धनं प्राप्नोति। अद्युना भवान एक्सेसिंग सिटिजन सेंट्रिक सर्विस विषये विशिष्टं भवाम स्वीकृतवान चततु अस्य गतिविधि मध्यमे भागं ग्रहिष्यामः। किमेतादृशी सेवा सर्वकारः द्वारा उपलब्धास्ति या मा निज लैंड डिटेल एक्सेस हेतुए अनुमतिं ददाति? आम, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट च लैंड रिकॉर्डम ऑनलाइन हेतुए संदो अस्ति। भारतस्य रियल स्टेट सेक्टर मध्ये पारदर्शिता सामान्यनाय बहवः राज्यः प्रथमतः एव निजम लैंड रिकॉर्डम कंप्यूटराइज्ड अकरोत्। इयं तु समीचीनाः वार्ताः, एतां सर्विसं कथं प्राप्तुं शक्यते? मात्रं कतिपय सरल चरणानुसरणावश्यकत्वमेव। प्रथमतः स्टेट अवधारेण वेबसाइटो परि गच्छतु। एग्जाम्पल मात्र यदि भवतां लैंडम उत्तर प्रदेश अस्ति तर्हि भवान www.bhulekh.up.nic.in लिंको परि गन्तव्यं भविष्यति। द्वितीय चरणम् ततः भवान तम डिस्ट्रिक्टस्य चयनं करोतु यत्र भवतां भूमि विद्यते। भवतु भवन्तः सूची मध्ये गौतम बुद्ध नगरं चितवन्तः। तृतीय चरणम् अनन्तरं तहसीलं राजस्व मण्डलं वा स्वीकुरु यस्य अधिकार क्षेत्रे सा भूमि समागच्छति। तहसील तालिकायां गौतम बुद्ध नगरस्य चयनं करोतु। ततः निज ग्रामं स्वक्षेत्रं वा स्वीकुरु। भवतु भवतां क्षेत्रम् अट्टा गुजरान मध्ये अस्ति। रेवेन्यू रिकॉर्ड मध्ये मेंशन जमीन संख्यां प्रददातु तथा लैंड डिटेल प्राप्तुं शक्यते, यद्यपि असानतया प्राप्तुं शक्यते। उदाहरणतया अवगच्छतु यत् अस्माकं प्रयासे सा संख्या 67 अस्ति। पुनः 67 उपस्थाप्यतु अपि च सर्च बटनं नुदतु। भवन्तम् अधिकं डिटेलं यथा खाता एकं खसरा अपि पूरयितुं भविष्यति। यदि भवताम लैंड नंबरे अधिकम अकाउंटस्य वर्तते तर्हि साइट भवताम डिटेलम सर्चम करिष्यति। तथा नील मंजूषायां क्लिक करोतु येन डिटेलम दृष्टुम शक्यतो। अहम स्कॉलरशिप हेतुवे अप्लाई कर्तुम इच्छामि, तर्हि किम भवान कृपया सर्वकार द्वारा प्रदता काप्यतादृशी सेवा संदर्भे गपितुम शक्नोति या ही स्कॉलरशिप संदर्भे कार्यम करोति? ओम अवश्यमेव, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP एकम एव विकल्पम विद्यते यस्य माध्यमेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप संदर्भित विविधा योजनाः प्रोवाइड क्रियते।
इमः सर्विसः सन्ति स्टूडेंट एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीप्ट प्रश्नकर्णेन सह स्कॉलरशिप इतस्य स्वीकृतिः स्टूडेंटम विभिन्न स्कॉलरशिप इतस्य वितरणम् नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टलस्य नेशनल ई गवर्नेंस योजनान्तर्गते एकम सोद्देश्य पूर्वक प्रणाली परियोजना सन्दर्भे स्वीक्रियते वर्तमाने एनएसपी मध्ये 9 भाग स्वीकृत मंत्रालयः विभागः अपि च पंजीकृत योजनाः सन्ति अस्य उद्देश्यम् अस्ति सिंप्लिफाइड मिशन ओरिएंटेड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल अपि च पारदर्शी स्मार्ट सिस्टम इदम् स्कॉलरशिप एप्लीकेशनस्य शीघ्रं प्रभावी डिस्पोजलम् एन्श्योर करोति अपि च अपारदर्शितां विना फण्डः लाभार्थी खाता मध्ये गच्छति इदं पोर्टलस्य प्रयोगं कृत्वा हम स्कॉलरशिप कयम् अप्लाई कर्तुं शक्यते एतत् बहु सरलम् अस्ति भवतु कतिपय चरणानुसरणम् प्रथमं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टलम् http://scholarships.gov.in/newstudentregfrm. इत्यत्र गच्छतु अपि च स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन माध्यमेन स्वस्य रजिस्ट्रेशनम् कार्यतु तत्र प्रदत्त इंस्ट्रक्शनम् पूरयित्वा एप्लीकेशनम् पूरयतु ततः सबमिटम् क्लिक करोतु सुरक्षितानन्तरम् एकम् टेम्पररी आईडी दीयते पुनः तदंतरम डिटेलस्य पूर्णाय निजे टेम्पररी आईडी अपि च जन्मदिवसं पूर्यतु रजिस्ट्रेशनम अपि च ऑनलाइन फॉर्म पूर्णांतरम एकम परमानेंट रजिस्ट्रेशन आईडी इतस्य निर्माणं भवति यस्य एप्लीकेशनस्य स्टेटसम अपि च रिन्यूवलाय प्रयोक्तम शक्यते किम हम फॉर्म सबमिटनान्तरं निजे डिटेल एडिट कर्तुं शक्नोमि नहीं यावत् पर्यन्तं स्कॉलरशिप प्रक्रिया पूर्णं न भवति तावत् भवान् डिटेल्स परिवर्तयितुं न शक्यते अहं फ्यूचरे निज स्कॉलरशिप इतस्य रिन्यूवलम् कयम् कर्तुं शक्यते स्कॉलरशिप रिन्यूवलाय सर्वप्रथम बैंक अकाउंट नंबरम अपि च डेट ऑफ बर्थ यत् भवान् प्राक् वर्षे रजिस्ट्रेशनम् कारितय एतासां तया नाम स्यावश्यकत्वम् भवान फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी इत्यत्र क्लिक कृत्वा पुनः नवजात आईडीम स्वीकर्तुम शक्यते एवमेव ई हॉस्पिटल सर्वकार प्रदत्त सेवासु इम्पोर्टेंट सर्विस वर्तते इदम् आईसीटी सैलून अपरि आधारितम वर्तते यत्र हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अस्ति यद्यपि स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टराय वर्तते किं भवति कतिपय हॉस्पिटलस्य नाम वक्तुं प्रभवति यदि एतादृश सिस्टमवत् सर्विस प्रोवाइड करोति पोर्टलोपरि हॉस्पिटलस्य नाम वर्तते यत्र पेशेंटः ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर्तुं प्रभवति रोगी रजिस्ट्रेशनाय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टमः ORS डेवलप वर्तते अयमेकः ऑनलाइन पोर्टलः वर्तते यत्राधार धारकः नागरिकः भारतस्य विभिन्न राज्ये केंद्र शासित प्रदेशे हॉस्पिटल मध्ये नियुक्ते नामांकनम कार्यशति ई हॉस्पिटल द्वारा अन्य का सेवा प्रदीयते अन्य सर्विसेन कास्मिन अपि हॉस्पिटले भवान ओपीडी अत्र अपॉइंटमेंटः लैब रिपोर्टः ब्लड अवेलेबिलिटी इत्येषां संज्ञानम ऑनलाइन वर्तते एतत् ही आसान मस्ति किमनया अहम निजपतनाय अपि अपॉइंटमेंट स्वीकर्तुम शक्नोमि आम अवश्यमेव एतदर्थः कतिपय चरणानुसरणावश्यकत्वम् अस्ति प्रथम चरण सर्वप्रथमः http://ors.gov.in/copp/appointment.jsp पोर्टले इत्यत्र गच्छतु पुनः पेशेंटः आधार संख्यां प्रददातु यदि पेशेंटः दूरभाष संख्या UIDAI इत्यत्र रजिस्टर्ड अस्ति तर्हि OTP प्रश्यते SMS द्वारा 10 OPD अपॉइंटमेंट हेतुवे आधारधारकः UIDAI इत्यत्र उपस्थिति KYG डाटा इतस्य हॉस्पिटलेन सह शेराय अनुमतिं दानं भविष्यति यदि तस्याः मोबाइल संख्या 3 सह संबद्धः नास्ति तर्हि मया किं करणीयम्
एतादृश परिस्थितौ आधारानुसारेण पेशेंटस्य नाम देयम् ततः UIDAI अनेन सह डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन अनन्तरं पेशेंटस्य मोबाइल संख्याम् अयम् च विवरणम् यथा एड्रेस आयुः इत्यादीनानुरोधः कर्तव्यः। यदि उपयोगकर्तुं पार्श्वे आधार नंबरम् नास्ति तर्हि सः कयम् ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दर्जम् कर्तुं शक्नोति। एतादृश परिस्थिति यूजरः पेशेंटस्य आइडेंटिटी प्रदानानन्तरं हॉस्पिटल तः ओपीडी कार्ड प्राप्ति करणं भवति ततः यूजरम् ओपीडी अपॉइंटमेंट विवरण दान एसएमएस द्वारा एकं कन्फर्मेशनम् प्रेष्यते। आधार संख्याया वेरिफिकेशनानन्तरं गवर्नमेंट हॉस्पिटल मध्ये डिपार्टमेंटस्य चयनं करोतु यत्र रोगी जांचाय गन्तुम् इच्छति। पुनः अपॉइंटमेंटस्य दिवसं स्वीकरोतु ततः एसएमएस माध्यमेन कन्फर्मेशनं प्राप्नोतु। अन्ते निर्धारित दिवसोपरि हॉस्पिटलं गच्छतु। आधारः समेभ्यः इंडियन गवर्नमेंट पक्षतः यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा निर्गत 12 अंक युक्तः परिचय पत्रम् अस्ति। अहम् आधाराय कयम् एनरोल कर्तुम् शक्नोमि? आधार कार्ड इत्यत्र एनरोलाय कतिपय चरणानुसरणावश्यकत्वं वर्तते। प्रथम चरण प्रथमतः एनरोल फॉर्मम् प्रयूर्यतु। फॉर्म प्रपूर्णे किमपि काठिश्याम् नुभूयते तर्हि भवान् एनरोलमेंट ऑपरेटरस्य सहायं प्राप्नोतु। ऑपरेटरः लोकल सपोर्टम् यथा ग्रामाधिकारिणः फील्ड इंस्पेक्टरः इंट्रोड्यूसर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनः एनजीओस सिविल सोसाइटी आउटरीच सीएसओस आदितः सहाय स्वीकरणे भवताम् मार्गदर्शनम् कारिष्यति। किं मया स्वशाकम् अन्य डॉक्यूमेंट स्वीकृत्य गन्तव्यं भविष्यति? ओम भवान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपि च परिचय पत्रम यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI निवास प्रमाण प्रूफ ऑफ एड्रेस POA जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ DOB अपि च कुटुंब प्रमाण प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप POR पत्राणाम छाया प्रति वेरिफिकेशनाय स्वीकृतये गन्तव्यं भवति। यदि एतेषु किमपि प्रमाणपत्राणाम फोटोकॉपी न स्वीकृत्य गच्छति तर्हि एनरोलमेंट सेंटर फोटोकॉपी दास्यति। द्वितीय चरण अनन्तरं वेरिफायर POI POA DOB POR इत्येषां सत्यापनं मूल प्रमाणपत्रेण सह करिष्यति। पुनः वेरिफायर वैलिडेट प्रमाणपत्रेणाम उपरि हस्ताक्षरं मोहरं च दास्यति। पुनः एनरोलमेंट ऑपरेटरः एनरोलमेंट फॉर्मतः एनरोलमेंट सॉफ्टवेयरे वेरिफाइड डेमोग्राफिक रेजिडेंटम ददाति। यदि भवताम डेटा रजिस्ट्रार्स आइडेंटिफायर्स द्वारा परिवर्धितं भवेत् तर्हि एनरोलमेंट रेजिडेंट डेमोग्राफिक सूचनां सत्यापनं कृत्वा शुद्धिं करोति अथवा पूर्णं प्रपूर्यति। अतः एनरोलमेंट ऑपरेटर वेलफेयर सर्विस इत्यस्य वितरणाय सख्त संगठनेन सह भवताम विवरणं प्रकरणीकरणाय अनुमतिं नेष्यति। तदनुसारः यस नो इति रूपे भवताम प्रतिक्रिया वगमनाय एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर मध्ये समुपयुक्त विकल्प चयनं करिष्यति। एनरोलमेंट ऑपरेटरेण एषः परीक्षा यत् RGI यानी जनगणना तः सेंसस अधिकारी आबादी तः जनगणना सर्वेक्षणाय विक्षितम न वा NPR रिसीप्ट संख्या यानी TIN प्रदत्तम न वा। पुनः सः एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर मध्ये NPR संख्यां प्रददाति। किं पंचवर्षीय बालो अत्र एनरोल भवितुमर्हति? ओम अवश्यमेव। पंचवर्षा न्यूनानाम केस मध्ये मातु पितु अद्योन्वित अभिभावकानाम नाम आधार एनरोलमेंट संख्या मध्ये एकः एव दये भवति। NPR संख्या दर्जनानन्तरं एनरोलमेंट ऑपरेटरः एतदवलोकनाय परीक्षणं करोति यद् भवताम अंगुलाय विद्यमानं न वा ततः एतत् पुष्टि एनरोलमेंट सुपरवाइजर करोति। यदि भवताम पार्श्वे बायोमेट्रिक्स एक्सेप्शन वर्तते एतम बायोमेट्रिक एक्सेप्शन तया डेमोग्राफिक स्क्रीनोपरि अंकनं भविष्यति। ऑपरेटरः मिसिंग आई इंडिकेशनः
या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन इत्यनयोः विवरणे सत्य तथ्यांकनं क्रियते। अतः ऑपरेटरः भवता पृच्छति यत् किं भवान् निज बैंक संख्याम् आधारेण युज्यतुम् इच्छसि अथवा आधाराधारेण भिन्नव बैंक अकाउंट उद्घाटितुम् वंचति। यदि भवान् फाइनेंशियल इंक्लूजनस्य भगितम् एति तर्हि ऑपरेटरः अन्वेषणं करिष्यति यत् केषुचित् बैंकेषु प्रेजेंट बैंक अकाउंट अस्ति न वा। यदि संसूचित कमर्शियल बैंकेषु कश्चित् बैंक मध्ये भवताम् अकाउंट अस्ति तदा ऑपरेटरः बैंक नाम आईएफएससी कोडम अपि च अकाउंट संख्यायाम् अकाउंट संख्या यथा अकाउंट डिटेल प्राप्तं करिष्यति। यदि भवान् अभिनव अकाउंट उद्घाटनं चिकीर्षति तदा ऑपरेटरः एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर मध्ये विषयस्य स्योपस्थापनं करिष्यति। भविष्य भवताम् कृते अकाउंट उद्घाटनं स्यात्। पुनः एनरोलमेंट ऑपरेटरः वेब कैमरात भवताम् मुखस्य चित्रं निश्यति। यदि भवताम् पार्श्वे मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन अस्ति तर्हि कैमरात अन्यो चित्र ग्रहणं स्वीकार्यते एवं एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स IRIS इतस्य उपलब्धताम् अंकनं करिष्यति। अपि च एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंटस्य ज्ञातताम् लिखिष्यति। तदनन्तरम् ऑपरेटरः प्रदत्त डाटाम् उपस्थापयति। यदि आवश्यकम् चेत् तर्हि ऑपरेटरः समग्रं विवरणं पाठित्वा प्राविष्यति ततः इतत् सत्यापनं भवेत् यत् पूर्ण विवरणं समीचीनं वर्तते। यदि भवान् डाटा मध्ये परिवर्तनं वांछसि तर्हि एनरोलमेंट ऑपरेटरः एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर मध्ये परिवर्तनं सापेक्षं भवति। किमेताश परिवर्तनाय डॉक्यूमेंट एविडेंस आवश्यकत्वं वर्तते। ओम उपनाम प्रभृति परिवर्तन कार्याय एनरोलमेंट ऑपरेटरः डॉक्यूमेंट एविडेंसं निश्यति। अन्ते च सः ऑपरेटरः आधार सत्यापनाय साइन ऑफ हेतुवे निज फिंगरप्रिंट प्रदानं करिष्यति यद्यपि आधार एनरोलमेंट क्लाइंट मध्ये दर्जं भवति। एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजरस्य अंगुलीछायायाः आवश्यकता भविष्यति। यदि कश्चित् अपवादः यथा अंगुली अथवा नयनहीनता। यदि बायोमेट्रिकस्य क्वालिटी समीचीना नास्ति तर्हि फोर्स कैप्चर ऑप्शनस्य उपयोगः सम्पाद्यतः। परिचय कर्तुराधारेण एनरोलमेंट केस मध्ये परिचयकर्ता फिंगरप्रिंटेन साइन ऑफ करिष्यति। अत्र एतत् सत्यापनं कर्तुं प्रभवति यत् समुल्लिखित संख्यापि च दृष्टाम् दत्तांशः समीचीनः अस्ति न वा। यदि परिचयकर्ता एनरोलमेंट काले नास्ति समुपस्थितः तर्हि एनरोलमेंट दिवसस्य अन्तिम समय पर्यन्तं तः अगच्छेत् एवं परिवार प्रमुखः HOF बेस्ड एनरोलमेंट केस मध्ये परिवार प्रमुखस्य फिंगरप्रिंटेन सह साइन ऑफ आवश्यकं भवति एतत् सुनिश्चित करणाय यत् दत्तांशः सत्यम् अस्ति। अन्ते ऑपरेटरः भवाद्यः स्वीकृता भाषा स्वीकार्य भवति यत्र प्रिंट रिसीप्टो परि लीगल डिक्लेरेशन टेक्स्ट प्रिंटेड मतिष्यति। अतः ऑपरेटरः एक्नॉलेजमेंट स्लिप A4 शीट मध्ये सहमति फॉर्मम प्रिंटम करिष्यति। ऑपरेटरः केन्द्रतः प्राप्त सीटस्य पाठनमावश्यक भवन्ति अतः ऑपरेटरः सिलिपोपरि हस्ताक्षरं करिष्यति पुनः दास्यति ततः सहमतिपत्रे भवताम् हस्ताक्षरम् आवश्यकम् अपि च तत् प्रत्यर्पणीयं भवति। यदि निवासी पञ्चवर्षा न्यूनः वर्तते तर्हि तस्याभिभावकः मातुपिता यस्य एनरोलमेंट आईडी सॉफ्टवेयर मध्ये उल्लिखितः वर्तते सहमति प्रपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। POA POI अपि च DOB प्रमाणपत्रेण सह सहमति पत्रमपि रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रोसीजर अनुसारेण उपस्थापनं क्रियते। एतत् समीचीनम् परमावश्यकत्वे सन्ति आधार संख्या प्राप्त्यनन्तरमपि परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। सत्यमेव यत् निवासीभ्यः डेमोग्राफिक अथवा बायोमेट्रिक समुपलब्धाय आवश्यकमस्ति तदा सः समुपलब्ध प्रोसीजर अनुसारेण अनुसरणं प्रति गच्छतु। इदं प्रोसीजरि नव इनरोलमेंट समं वर्तते। अहम् अस्य प्रोसीजरस्य व्याख्यानं करोमि।
इदं प्रोसीजर कैप्चरिंग रेजिडेंट डेमोग्राफिक डेटा तः प्रारंभः भवति। एतदर्थः मेनू बटनम् नुदतु। पुनः लाइफ साइकल चेंजेस इत्यत्र क्लिक करोतु। अपि च पुनः अपडेट रेजिडेंट इन्फॉर्मेशन विकल्प चयनं भवति। अत्र प्रथमं स्टेपम् अस्ति यत् आधार संख्याम् अपि च निवासी नाम प्रपूर्णं भवति। एतत् समर्थव्यं यत् अपडेट एनरोलमेंट प्रारंभाय आधार संख्या अथवा निवासी नाम आवश्यकम् अस्ति। एनपीआर अपि एकम् आवश्यकम् फील्ड वर्तते। यदि एतत् समुपलब्धं नास्ति तर्हि भवान् नॉट गिवन चेक बॉक्स क्लिक करोतु। यदि निवासी नवजातः वर्तते तर्हि कृपया चेकबॉक्स मध्ये द रेजिडेंट इज लेस देन 5 इयर्स ओल्ड इत्यस्य चयनं करोतु। यदि निवासी कृते बायोमेट्रिक डेटा उपलब्धावश्यकता वर्तते तर्हि कृपया अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स इत्यस्य चेकबॉक्स चयनं करोतु। अनन्तरे चरणे नाम संशोधनं कर्तुं शक्यते। नाम आवश्यक क्षेत्रमस्ति यत्र परिवर्तनं नापेक्षं परिमपि तत्प्रपूर्णीयम्। नाम परिवर्तनाय ऑपरेटरः न्यू नेम टेक्स्ट बॉक्स समीपे दृश्यमान एडिट आइकन इत्यस्योपरि क्लिक कर्तव्यं भवति। अनेन नूतन नाम बॉक्स निर्माणं करिष्यति। नाम मध्ये परिवर्तनाय वैलिड डॉक्यूमेंट यथा आइडेंटिटी प्रूफ तथा ही सत्यापनाय POI जनेन सह नाम मेलापनम आवश्यकं वर्तते। अग्रिम चरणे व्यक्तिगत सुधारा पेक्षा वर्तते। अस्मिन् चरणे जेंडर आयु अथवा DOB परिवर्तनम् सम्मिलितम् अस्ति। एडिट इत्यत्र क्लिक कृत्वा परिवर्तनम् भवतु। यद्यपि संबंधित फील्डम् अनेबलम् करोति। अग्रिम चरणे संपर्कीय विवरण परिवर्तनम् आवश्यकम् अस्ति। वर्तमान कॉन्टैक्ट डिटेलस्य कॉन्टैक्ट सेक्शनस्य दक्षिण भागे समुपलब्ध एडिट इत्यत्र क्लिक करोतु ततः परिवर्तनं करोतु। ऑपरेटर द्वारा मोबाइल ईमेल फील्डम परितज्य कॉन्टैक्टो परि एडिट इतस्य परि क्लिक करनेन अन्यत् सर्वं विवरणं अनेबल्ड भविष्यति। एतत्र ऑपरेटर द्वारा अवधेयम् यत् सम्यक् रीत्या सर्वं फील्डम पूर्ण्यं स्यात्। एड्रेस फील्ड मध्ये परिवर्तनाय सपेक्षित प्रमाण पत्रस्य यथा आवास प्रमाण पत्रादिकं देयं भवति, अर्थात् वेरिफिकेशनाय POA। निवासिनः मोबाइल संख्या ईमेल परिवर्तनाय ऑपरेटर संबंधित एडिट इत्यत्र क्लिक कर्तव्यं भवति। अस्य पृष्ठस्य फील्ड अर्थात् इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सहमति प्रपत्रम निवासी सहमति अंतरम समुपस्थापितुं शक्यते। एनरोलमेंट अपडेशन मध्ये अग्रिम चरणं रिफ्रेश दानम् अस्ति। रिफ्रेश बटनोपरि क्लिकं कृत्वा संबंधित पृष्ठोद्घाटनं भविष्यति। अस्मिन् चरणे वेरिफिकेशनाय संशोधित डिटेलम वैलिड डॉक्यूमेंटस्य प्रावधानम् अस्ति। डेमोग्राफिक डिटेल मध्ये परिवर्तनाय मान्य प्रमाण पत्रम परिचय पत्रम POI रूपे अपि च निवास प्रमाण पत्रम दातव्यं भवति। आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ अनुसारेण ड्रॉप डाउन बटन प्रत्येक सेक्शन मध्ये परिवर्तनाधारेण एनेबल भवति। ऑपरेटर आय ड्रॉप डाउन मेन्यू मध्ये तसर्येव डॉक्यूमेंट नामनः चेतव्यं भवति यथा वेरिफिकेशन पर्पजाय निवासी द्वारा प्रत्यर्पितमस्ति। अग्रिम पृष्ठे संबंधित डिटेल फील्डम प्रपूर्यतु। एतत् डिटेल आवश्यकमस्ति यदि एनरोल निवासिनः सद्यः जातः अर्थात् पंच वर्षा न्यूनः हायनः वर्तते अपि च अन्य निवासीभ्यः वैकल्पिकः वर्तते। एकस्मान् वजाताय ऑपरेटरः ड्रॉप डाउन बटन चयनं कर्तव्यमस्ति। तत्र नाम अपि च एनरोलमेंट आईडी अथवा आधार नंबर अंकनस्य आवश्यकता भवति। पंचवर्षेभ्यः तदो अधिकेभ्यः यदि विकल्पः वेरिफाई यूजिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्वीकर्तव्यम् यही तर्हि रिलेटिव डिटेल्स फील्डः गैर अनिवार्यः अथवा वैकल्पिक स्वीकर्तव्यः भवति।
पञ्चवर्षेभ्यः ततो अधिकेभ्यः यदि विकल्पः इंट्रोड्यूसर शेल वेरिफाई द रेजिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस चेतव्यः भवति तदा रिलेटिव डिटेल्स इतस्य निवार्यत न अपितु वैकल्पिकत्वमेत। पञ्चवर्षेभ्यः ततो अधिकेभ्यः यहि हेड ऑफ फैमिली शेल वेरिफाई द रेजिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस इति ऑप्शन चयनं भवति तर्हि रिलेटिव डिटेल्स अनिवार्यः भवति। एनरोलमेंट डेटा या अपडेशन इतस्य अंतिमम स्टेप अस्ति रसीद छपाई इति। एनरोलमेंट फॉर्म मध्ये चेंज डेटा संरक्षणांतरम डिटेलिंग सह सफल विंडो डिस्प्ले करिष्यति। सक्सेस मैसेज अनेन ज्ञाते यत एनरोलमेंट डेटा मध्ये अपडेशन सफलतापूर्वकं भवत। एनरोलमेंट आईडी एनरोलमेंट पूर्णांतरम यह आईडी जनरेट भवति तदैव एनरोलमेंट आईडी उच्यते तदैव रसीद मध्ये प्रिंटेड भवति। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट प्रिंटाय लोकल भाषाय एकम चेकबॉक्सः अपि वर्तते। रसीद मध्ये लोकल लैंग्वेज मध्ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट प्रिंटाय एतद् बॉक्स चयनं भविष्यति। एतद् विंडो इतस्य अध्यः बटन त्रयम् डिस्प्ले भवति। अस्य उपयोगः एनरोलमेंट रसीद मुद्रणाय डॉक्यूमेंट इतस्य अटैच हेतुवे अग्रिम नामांकनाय क्रियते। सर्विस डिलीवरी द्वारा आधारः कयम् प्रयोज्यते। आधार सीडिंग एतहाशी प्रक्रिया वर्तते ये निवासिनः यूआईडी सत्यरूपेण सेवा प्रदातुः सेवा वितरणम् डिलीवरी डाटाबेस मध्ये आधार द्वारा प्रमाणीकरणम् निर्गतयाम् युज्यते। मदीयः आधारः कथम् एसबीआई तः संयोज्यते। एतादर्थः भवान् एसबीआई पोर्टलोपरि गच्छतु www.onlinesbi.com इति ततः माई अकाउंट्स इतस्यात् अद्यः लिंक योर अकाउंट नंबर अस्योपरि गच्छतु ततः अकाउंट संख्यायाः चयनं करोतु तथा आधार संख्यां लिखतु तथा सबमिट करोतु। पुनः मानचित्रण मैपिंग इतस्य स्थिति सलाह तस्य पंजीकृत दूरभाष संख्योपरि दीयते। भवान् एटीएम चैनलस्य कश्चिदपि एटीएम मध्ये आधार संख्या अकाउंटेन सहयुक्तुं शक्नोति। एतदर्थः भवान् एटीएम कार्ड स्वाइप करोतु ततः पिनम ददातु। पुनः मीनू सर्विस रजिस्ट्रेशनस्य चयनं करोतु ततः आधार रजिस्ट्रेशन पंजीकरणं चयनम् ततः खाता प्रकारं आधार संख्यां च प्रददातु। किम् अहम् निजाधारा मोबाइल फोनेन सह योक्तुं शक्नोमि। आम् सत्यम् निज रजिस्टर्ड मोबाइल संख्याया 567676 इतस्योपरि एवं एसएमएस करोतु। यूआईडी स्पेस आधार संख्या स्पेस अकाउंट संख्या। यदि भवताम दूरभाष संख्या रजिस्टर्ड नास्ति अथवा भवताम आधार संख्या अकाउंटतः पूर्व में संबद्धे इति एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्यत एव। यदि बैंकेन सह भवताम दूरभाष संख्या रजिस्टर्ड वर्तत एव तर्हि भवताम रिक्वेस्टः कन्फर्मेशन द्वारा दीयते। पुनः भवतयाम आधार संख्या यूआईडी एआई अनेन सह सत्यपाणी क्रियते। यदि इयम् प्रक्रिया असफला भवेत तर्हि उपभोक्तराम प्रति एसएमएस आगच्छति यत् एसबीआई शाखातः निज आधार संख्याया अथवा ई आधारेण सह संपर्कं करोतु। अहम् आधारं बैंक ब्रांचेन सह कयम लिंकं कर्तुं शक्नोमि। कस्मिनापि एसबीआई ब्रांचे आधारस्य ई आधारस्य छाया प्रतिम नीत्वा गच्छतु। शाखाया माधार पत्रस्य छाया प्रतिना सह अनुरोध पत्रस्यापि प्रदिनीकरणं भवति। आवश्यक सत्यापन तथा ब्रांचेन द्वारा लिंकः क्रियते। भवताम रजिस्टर्ड मोबाइलोपरि अस्याः प्रक्रियायाः परिचयः दीयते।